हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। संख्या पद्धति, ये हमारे क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसमें से टोटल आपको एग्जाम में जो मार्क्स पूछे जाने वाले हैं वो टोटल 6 अंक का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसमें से आपको एक मार्क्स के दो क्वेश्चन रहेंगे और साथ साथ दो मार्क्स के दो क्वेश्चन रहेंगे। एक मार्क्स के दो क्वेश्चन यानी कि दो नंबर हो गए, दो मार्क्स के दो क्वेश्चन यानी कि कितने हो गए, 4 मार्क्स। टोटल कितने हो गए, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टोटल इसमें से आने वाले हैं। हम देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति अगर देखा जाए तो संख्या पद्धति जो क्लासिफिकेशन होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स का, ठीक है। रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। संख्या पद्धति को क्लासिफाई करें बेसिकली इसको दो पार्ट में हमने इसको क्लासिफाई किया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या अगर हम बेसिकली क्लासिफाई करें तो उसको हम यही क्लासिफाई करते हैं यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बाद में हम अगर परिमेय संख्या को क्लासिफाई करें तो ये होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत और इसका 7 दशमलव प्रसार, और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ जो संख्या रहेगी इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट होके लास्ट में एक कोई हमको फिक्स वैल्यू दे जाएगी। बट यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल के बाद में संख्या आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, वो फाइनल इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ संख्या आती रहेगी और जो संख्या आएगी ना वो एक कंडीशन के बाद में वह बार बार रिपीटेड हो जाएगी, ठीक है, रिपीट होने लग जाएगी, उसी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में बात करें तो ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसकी वैल्यू रिपीट भी नहीं करेगी और ये टर्मिनेट भी नहीं होगी, ठीक है, ये तो कटेगी ही नहीं, साथ ही साथ ये इसकी वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट समझा देता हूँ, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंट समझिए कि इसका जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, इसमें जो आने वाले नंबर्स रहेंगे इसके क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, इसमें आपका नेचुरल नंबर आ सकता है, होल नंबर आ जाता है, इंटीजर आ जाता है और रेशनल नंबर आ जाता है, ठीक है। तो वो सारे जो होते हैं, नेचुरल नंबर भी एक प्रकार का क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, होल नंबर्स भी एक प्रकार का रेशनल नंबर होता है और इंटीजर भी एक प्रकार का क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसीलिए ये रेशनल नंबर के बारे में बताया गया है और इसको ये सारी जो संख्या होती है यहाँ पे इरेशनल नंबर होती है, उसके एग्जाम्पल ये दिए गए हैं और इनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए, ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं और उसकी वैल्यू रिपीट भी ना हो, वही हो जाती है अपरिमेय संख्या। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल √2, √3, √5 और साथ में साथ पाई भी होता है, ठीक है। ये सारी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हैं इरेशनल नंबर के, और ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं टर्मिनेटिंग के, और ये दिए गए हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के। ये सारी हैं परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होती है वो नेचुरल नंबर से मिलकर बनी होती हैं, साथ ही साथ इसमें होल नंबर्स भी होते हैं, साथ ही साथ इसमें इंटीजर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और साथ ही साथ ये रेशनल नंबर खुद होता है, ठीक है। परिमेय संख्या खुद ही परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर वो परिमेय संख्या होते हैं, जो सारे के सारे होल नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, और सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि जो सारे परिमेय संख्या हैं वो नेचुरल नंबर हों, ये परिमेय संख्या नेचुरल नंबर नहीं होते हैं कभी भी, और जो परिमेय संख्या हैं वो कभी भी होल नंबर नहीं होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। सारे परिमेय संख्या होती हैं वो सारे परिमेय संख्या इंटीजर्स कभी नहीं होती हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये खिचड़ी हो गया पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी किसी भी परिमेय संख्या में देखिए, आपका कंडीशन कितनी हो सकती है, 3-4 कंडीशन बनती है, ठीक है। या तो आप ऐड करेंगे, या तो सबट्रैक्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे। 4 कंडीशन के अलावा आपके पास ऐसा कोई सी कंडीशन नहीं बनती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैलकुलेशन करने का। पहली कंडीशन ऐसी होगी कि आप परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या है कोई सी, परिमेय संख्या में आप क्या जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, दूसरी जो बात आती है वो आती है कि किसी भी परिमेय संख्या में कोई है, परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या है, इसमें अगर आपको बोला जाए कोई भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इसको आप घटाते हो तो क्या मिलेगा आपको, ये कंडीशन आपको ये पूछा जा सकता है। और तीसरी जो कंडीशन है वो है किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में आप किसी भी अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो चौथी कंडीशन है वो है किसी भी परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में
आप किसी भी अपरिमेय संख्या का डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कंडीशन आएगा ये आपको बताना है। देखिए इसका कंडीशन क्या क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। आपके सामने कभी भी आएगा तो यही चार कंडीशन में से कोई कंडीशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन है इसके बेस पे, तो आपको ये खाली स्थान सही जोड़ी कहीं भी पूछा जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्या है, या सत्य सत्य में भी पूछा जा सकता है कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी। तो आप सीधा से बोल दीजिएगा कि ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो आपको अपरिमेय संख्या मिलने वाली है, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो आपको मिलने वाला है इरेशनल नंबर। इसको बोल रहे हैं हम रेशनल नंबर और इसको बोल रहे हैं हम इरेशनल नंबर। तो क्या मिलने वाला है आपको, इरेशनल नंबर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं सेकंड में, यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है उसमें अगर आप अपरिमेय संख्या घटाते हैं यानी कि इरेशनल नंबर को आप घटा देते हैं तो आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इरेशनल नंबर आपको मिलने वाला है, यानी कि अपरिमेय संख्या आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर में आप यदि इरेशनल नंबर को गुणा कर देते हैं तो इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे क्या है रेशनल नंबर है और यहाँ पे भी क्या है इरेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर रहे हैं यानी कि इरेशनल नंबर का गुणा कर रहे हैं तो आपको मिलने वाला यहाँ पे है इरेशनल नंबर आपको मिलेगा। यदि किसी भी परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला आपको परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे मिलने वाला आपको परिमेय संख्या यानी कि यहाँ पे आपको मिलना है रेशनल नंबर। आपको फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, फार्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए फार्मूले कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ उनको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आपको पहला फार्मूला क्या है ये आपको याद रखना है, यदि a की पावर p हो इंटू ए की पावर q हो तो इसका फार्मूला होता है a की पावर p प्लस q, यानी कि यदि बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है ये मल्टीप्लाई के रूल में। फार्मूला आपका है इसमें आपको याद रखना है कि यदि a की पावर p हो डिवाइडेड बाय a की पावर q हो तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर p माइनस क्यू, ये आपका फार्मूला है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो a की पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर q, अगर ऐसा हो तो लिखेंगे a की पावर p माइनस क्यू। ठीक है, ये फार्मूला है, चाहे इसको आप याद रखिए चाहे इसको याद रखिए बात एक ही है। ठीक है, यानी a की पावर p में आपने डिवाइड कर दिया है a की पावर क्यू का, ये क्यू है। ठीक है, ये क्या है क्यू है, ये वाली वैल्यू क्यू है। ए की पावर पी में आपने डिवाइड किया है ए की पावर क्यू का तो क्या आएगा, ए की पावर पी माइनस क्यू आएगा। ठीक है, यानी कि यदि बेस सेम होता है तो पावर को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है डिवाइड वाले रूल में। और जो आपको जो थर्ड वाले बात ध्यान रखना है वो थर्ड वाला ये है कि यदि आपको दिया हो ए की पावर पी का होल पावर क्यू दिया हो तो इसको आप लिखते हैं ए की पावर पी इंटू क्यू। ठीक है, ये आपको ऐसा लिखना है, यदि आपको ऐसा दिया तो आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, चौथे फार्मूले में आपको ये ध्यान रखना है यदि a की पावर आपको p दिया हुआ है इंटू b की पावर p दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये लिखना है कि a और इंटू b का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और a इंटू b कर दिया जाता है और इसकी पावर को हम p लिख देते हैं, यानी कि अगर आपको a की पावर p दिया हुआ है इंटू b की पावर p दिया हुआ है तो इसको आप क्या लिखेंगे a इंटू b और इसका जो पावर है वो पावर ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर वही लगा देंगे, यानी कि यदि आपका बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो तो क्या करते हैं बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को वही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी क्या है, कोई परिमेय संख्या को डिनोट कर रहा है यानी कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जहाँ पे आपको पी क्यू दिख रहे हैं ये पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी रेशनल नंबर को यानी कि परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला है। ठीक है, ये चार फार्मूले होते हैं बेसिक, इसको आपको ध्यान रखना है, आगे चल के इस पर क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं।